तो मानव सुबह ही चला गया। अपनी जिम्मेदारी जो समझने लगा है। लेकिन आपकी छोटी बहू को जिम्मेदारी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, वो अभी तक उठी नहीं है ना, इसलिए कहा। बहुत थक गई है बिचारी, इसीलिए सो रही होगी। अब मॉडर्न फैमिली से है तो उसे क्या पता कि घर की बहुएं घर वालों से पहले उठ जाती है। मानव, मानव, जय श्री कृष्ण। वाह ठाकुर जी वाह, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और इसने तो खुद ही अपने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अच्छा है। क्या हुआ भाभी, भाभी बताइए तो सही। बताइए ना भाभी, मानव कहाँ है? मैं मानव को ढूंढते हुए नीचे आई, आप लोग मुझे वहां से यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है छनछन, लेकिन तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने अभी नीचे नाश्ते के टेबल पे क्या किया है? क्या किया? हाय लॉर्ड, छनछन तुमने नाइटी पहनी हुई है। नाइटी पहनी? नाइटी पहनी तो क्या हुआ, सोने से पहले नाइटी तो पहनते ना। छनछन, इस घर की बहुएं कमरे से बाहर नाइटी पहन के नहीं जाती है, और कमरे से बाहर तो क्या हम कमरे में भी ये नाइटी नहीं पहनते। हाँ, हर टाइम हमें साड़ी पहननी पड़ती है, रात को सोते हुए भी हम ये नहीं पहन सकते ना। पर रंजना बहन, आप तो कभी कभी रात को सोते वक्त नाइटी पहन लेते हो ना। छनछन,
मुझे ऐसा लगता है ना कि मानव भाई ने तुम्हें इस घर के नियम के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। हाँ, अरे इतने साल हो गए संजना हमें, हम कभी इस दरवाजे के बाहर ये पल्ला निकाल के नहीं गए, और तुम पहले दिन इस कमरे से बाहर सबके सामने ये नाइटी पहनकर चली आई। छनछन, बाबूजी तो बहुत गुस्सा होने वाले हैं। हाँ हाँ, वैसे उनका दिल अच्छा है, पर अपने नियम को लेकर वो बहुत पक्के हैं। बाबूजी तो गुस्सा कर लेंगे, पर भा क्या करेंगी? अभी मैं तो सिर्फ मानव को ढूंढ रही थी, जल्दी जल्दी में पता नहीं चला कि मैंने क्या पहना है। वैसे भी अब सुबह ही तो हुई है, मुझे लगा सब अपने अपने कमरे में होंगे। सुबह? बोरी सागर परिवार की बहुओं के लिए तो आधा दिन निकल गया है। हाँ, मुझे तो माँ के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। मेरी शादी के बाद है ना, माँ ने मुझे एक पूजा में पीली साड़ी पहनने को बोला था, तो मैंने भूल से लाल साड़ी पहन ली। बस फिर क्या, माँ खुद ही गुस्से में लाल पीली हो गई और मुझे सीधा मायके भेज दिया। मायके? इतनी सी बात पे? इतनी सी बात? अरे वो नाइटी पहन के सबके सामने आ गई। मम्मी जी, I'm so sorry, मुझे पता नहीं था कि कोई बात नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तुम दोनों की है। पर माँ, हमने तो साड़ी पहनी है। अरे पहनी है, लेकिन तुम लोगों की गलती ये है कि तुम लोगों ने नई बहू को हमारे घर के नियम नहीं बताए। इनके घर पे सब चलता है, लेकिन हमारे घर की मान मर्यादा के बारे में ये बिचारी क्या जाने। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम लोगों के होते हुए अगर ये सब कुछ हुआ है तो गलती भी तुम्हारी हुई कि नहीं। बेटा तू क्यों उदास हो रही है? मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात पे इतना सब कुछ हो जाएगा। इतनी सी बात? मैं तुझे एक बात बताती हूँ, जब मैं पहली बार शादी करके ससुराल आई ना, तो एक दिन मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी, बहुत गर्मी थी, तो पसीना पोंछने के लिए ऐसे मैंने हाथ किया ना, तो मेरे सर से पल्लू सरक गया। बस इतना सा ही सरका होगा, और मेरी सास ने मुझे ऐसी सजा दी कि मुझे आज तक याद है। बापरे, सजा? इस बात पर आपको सजा मिली? पर मम्मी जी, छोटों से गलती हो जाए तो बड़े उन्हें समझाते हैं ना, फिर सजा देने की क्या जरूरत है? सजा नहीं, प्रायश्चित कहते हैं इसे। अगर छोटों से गलती हो जाए और वो प्रायश्चित ना करे तो वो सुधरेंगे कैसे बेटा? मतलब छनछन को भी सजा माने प्रायश्चित करना पड़ेगा? अब नियम तो नियम होते हैं, सबके लिए बराबर।
अब आएगा मजा, जब घर की लाडली बहू को पहले ही दिन मिलेगी सजा। लेकिन मम्मी जी, आज के जमाने में ये... अरे बेटा, मैं तो फिर भी आज के जमाने के साथ चलती हूँ, लेकिन तेरे बापू जी बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या करेंगे। अरे आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या हो गया अगर छंछन इस तरह से नीचे आ गई? ये तुम क्या बोल रहे हो मंथन? तुम्हें पता है इस घर के कुछ नियम? आज तक किसी भी बहू ने ऐसा नहीं किया। जो छंछन ने आते ही वहां को कितना बुरा लगा होगा। अनेक भाई, बा को तो बुरा लगेगा ही ना, ये लव मैरिज तो उन्होंने ही करवाई है ना। अब घर का एक नियम बदला है, बाकी नियम भी बदलेंगे। मंथन, इस घर में ना कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा। बाप रे, इसी बात का डर था मुझे, तेरे बापूजी बहुत गुस्से में है। लेकिन बेटा, तू घबराना मत, मैं किसी भी तरह से तेरे बापूजी को समझा बुझा कर शांत कर लूंगी। हाँ बा, लेकिन वो सजा, मतलब वो प्रायश्चित के बारे में जो आप बात कर रही थी, वो क्या था? हाँ, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। लेकिन असली गलती तुम दोनों ने की है, इसलिए सजा भी तुम दोनों को ही मिलेगी। हमें? और तुम्हारी सजा ये है कि 3 दिनों तक 300-300 रोटले बना के गौशाला की गायों को खिलाना। हाँ, तीन सौ रोटले? अरे बेटा, शुक्र करो तुम्हारी सास मेरी सास जैसी कठोर नहीं है। मुझे तो बेटा 7 दिनों तक 500-500 रोटले बनाकर गौशाला की गायों को खिलाना पड़ा। जान, तू है ना, जल्दी से नहा ले और फिर नाश्ता कर ले। चलो तुम लोग जाके रोटला बनाना शुरू करो। इसे कहते हैं बिना हाथ लगाए थप्पड़ मारना। 4 दिनों में ना बोरिया बिस्तरा लेकर बोरी सागर परिवार से भागती नजर आएगी, ये मेरा वादा है छंछन। Thank you.
मामा। हेलो हेलो चंचन, वो मेरी बात करो चंचन, कैसी तू, क्या कर रही है? नहीं मैं बात करूंगी। हेलो चंचन, मारी दिक्कत तो कैसे हो? बहुत मिस कर रहा हूं। ए चुप रहो। लेकिन ये चंचन बोलती क्यों नहीं? क्योंकि कोई मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। सुना, अभी सब साथ में नहीं बोलेंगे, सब एक एक करके बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं। एक्सक्यूज मी, फोन मैंने लगाया, पहले मैं बात करूंगी। हेलो चंचन, कैसी है मेरी बच्ची? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। मामा, अरे मैं रो थोड़ी रही हूँ, पूरे एक दिन के बाद अपनी बच्ची की आवाज सुन रही, थोड़े आंसू तो आएंगे ना। मामा अब तक तो मैं ठीक थी, लेकिन अगर आप रोने लगेंगी ना तो। ओके ओके, मैं नहीं रो रही। मिसेज, प्लीज। हेलो चंचन, बेटा कैसी है तुम? हाँ पापा, सब ठीक है। आई मीन बेटा, तुझे रात को नींद तो ठीक से आई थी ना? पापा। अच्छा बेटा, मानव को बोलना कि रात को एसी ना चलाए, वरना तेरे को जुखाम हो जाएगा। पापा मैं अपना ख्याल रख लूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और इससे पहले कि आप रोने लगे, आप फोन रुशाली को दीजिए। अच्छा ठीक है। रुशाली। हेलो दी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू बता, मेरे जाने के बाद तुझे अपने टैटू डिजाइन याद भी है या नहीं? अरे दी, अब तो मैंने आपका रूम डिजाइन करना शुरू कर दिया। मेरे रूम की? क्यों? क्योंकि आपकी तो शादी हो गई है, तो मैंने और ऋग्वेद ने आपके रूम पे कब्जा कर लिया है। खबरदार, अगर मेरे रूम को हाथ भी लगाया तो, वो मेरा रूम है और मेरा ही रहेगा। हाँ बाबा पता है, मजाक कर रही हूँ। अच्छा पता, जहाँ पना, ध्यानचंद, पुछपुछ और अनारकली कैसे हैं? अनारकली ला। ए छोकरी, तुझे अनारकली की चिंता है, ये बुढ़ी दादी की नहीं ने? दादी मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आपकी है, बताइए कैसे हैं आप? अरे छोड़ अब बुढ़ी दादी को, ये बता आज सुबह सब तेरे ससुराल वाले अच्छी तरह से तुझे मिले ना? हाँ दादी, सब अच्छे से मिले। हाँ, देख बेटा, पहला दिन ससुराल में खास दिन होता है, क्योंकि वो सास का दिन होता है। और आज ही उनसे दोस्ती कर लेना। आपने सही कहा दादी, ससुराल का पहला दिन सबसे खास होता है। हाँ, और देख, आज कोई गलती हो जाए ना तो घबराने का नहीं, अरे गलतियां तो सबसे होती है। ठीक है। और फिर वहां ससुराल में मानव, अरे भूल गई, मानव कुमार भी तेरे साथ है संभालने वाले। ससुराल में पति तो होता है पत्नी को संभालने वाला। चल अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ दादी, मुझे भी नहाकर तैयार होना है, सबको मेरी तरफ से बाय कह देना। बाय चंचन। बाय। नहीं, जगह पर पति हिम्मत देता, पर पता नहीं मेरा पति है कहाँ, मुझे सोते हुए छोड़ पता नहीं कहाँ चला गया। मानव कहाँ हो तुम? मानव